तो अच्छे से देखते हुए चलना है। और हाँ, मैपिंग वाली भी साथ साथ, जहाँ मैपिंग की जरूरत होगी वहाँ मैपिंग कराएंगे। तो अपना जो वर्ल्ड का मैप होल इंडिया मैप साथ में रखना है, पॉलिटिकल दोनों मैप साथ में रखने हैं, और नोट डाउन करते हुए चलने जाना है। और पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, पीडीएफ की टेंशन नहीं है। और लेकिन कुछ जो जो की जो हाई की पॉइंट मान लो या हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं वो आपको नोट डाउन करते हुए चले जाने हैं। और ये जो क्लास है ना, तो ये करंट अफेयर नहीं है, इसमें जो स्टेट जीके सारी चीजों को कवर करेगा, जो चर्चित मुद्दे हैं जो पीछे का हमारा ख्याल, तो सारी चीज को देखेंगे। और ये जो क्लास है आपका, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो 2023 हो या 2025 में, जब भी देख उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी देख आप। प्लस जितने भी हमारे मेंस हो गए, चाहे बीपीएससी का मेंस है उनके लिए भी, और जितने हमारे पुलिस के एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, सब में, चाहे बिहार हो, चाहे सभी में होगा। और जो जितने जितने हमारे स्टेट पीसीएस है उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे और रेलवे के जो एग्जाम है, चाहे जिसमें आपका ग्रुप डी हो गया या अंदर जो टेक्निकल एग्जाम है उसमें, प्लस आपका जो बैंक के बैंक से रिलेटेड जितने एग्जाम है, चाहे पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, सब में इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं स्टार्ट, भी करते हैं आज क्लास का। भाई देखो एक बार ना दबा के ना वीडियो को, सेशन को जो शायद लाइक कर दो, सब्सक्राइब भाई जो शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा उस पर क्लिक कर लो। और अपने जो हमारे जो सारे जितने भी जो ग्रुप है, चाहे टेलीग्राम का, चाहे व्हाट्सएप का, सबसे जुड़ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं भाई, फर्स्ट जो हमारा जो रिलेटेड न्यूज है, पहले की जो एक हाईलाइट न्यूज देते हैं, तो ये COP27 से रिलेटेड न्यूज है, पहली जो न्यूज बनी है हमारी। तो और देखो हाँ, इन जो क्वेश्चन के, इन क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो रिसेंटली विच द स्टेट होता है मैंडेटेड 10 मिनट योगा स्कूल द स्टूडेंट एवरीडे, ये जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मेरे को। और विच स्टेट द गवर्नमेंट द लॉन्च द स्पेशल प्रोग्राम फॉर द 1 मिलियन स्कूल्स के लिए, और फर्स्ट द क्लस्टर ऑफ द कंप्लीटेड होता है एसपीआरएम। तो ये है इससे रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे क्या है अभी इसके बारे में। वहाँ द जून 21 था चूजन फॉर द योगा डे, 21 ही चूज किया गया है। और योगा डे 2022 की थीम क्या है इतना पता होना चाहिए हमें। The passing the balls of the future of the generations का के रिपोर्टमेंट है द ऑफर द बेसिक फुटबॉल ट्रेनिंग वन जो लेक्चर, तो इसके बारे में मुझे भी श्याम प्रसाद मुखर्जी कौन है, और सबसे देखो पहले न्यूज देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। भाई देखो जो गुरु नानक जो जयंती पड़ी थी वो ट्यूजडे की पड़ी थी, जो अब की बार जो 8 नवंबर 2022 की पड़ी थी, और तो इनके बारे में अलग अलग डे पड़ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो तिथि के ऊपर होती है। तो गुरु नानक जयंती जिसे जो गुरु प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, 8 नवंबर मनाया जा रहा है, तो इसमें मनाया गया। तो ये सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, वो गुरु नानक देव की जयंती का प्रतीक है। प्रति वर्ष जो है कार्तिक मास की जो पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, तो इसमें देख लेते एक ओंकार। तो ये हमारा जो ये गुरु नानक साहब हो गए, और ये जो गुरु अमरदास हो गए, ये गुरुदास जो अमरदास गुरु गोविंद सिंह हो गए, और ये आपका जो गुरु तेग बहादुर सिंह, और गुरु जो हरि कृष्ण, और ये गुरु हर जो हर राय जो, और गुरु जो हरगोविंद, और गुरु अर्जुन देव, और गुरु रामदास। तो ये साक्षी प्रथम चाहिए, और श्री गुरु जो जो तो ये साक्षी हमें इनके बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बनाया जो उस पर देख लेते हैं, नवंबर 2022 को किस दिन को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा 5 नवंबर, बी ऑप्शन हमारा 7 नवंबर, थर्ड ऑप्शन हमारा 10 नवंबर, फोर्थ ऑप्शन हमारा 8 नवंबर। तो बीच में 8 नवंबर इज द करेक्ट आंसर है। तो गुरु नानक बर्थडे प्लेस कहाँ है, और मीनिंग ऑफ द एक ओंकार का मतलब क्या है। तो ये नेक्स्ट है हमारा द प्रेसिडेंट अवार्ड से रिलेटेड है, तो ये हमारा नर्स को दिया गया है। तो राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशा जो नर्सिंग के होती है ना, तो उनको 2021 के लिए राष्ट्रीय जो फ्लोरेंस द नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2022 की स्थापना इस पुरस्कार की स्थापना 1973 के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सामाजिक समाज में नर्सों और जो नर्सिंग पेशा द्वारा प्रदान की गई
सराहनीय सेवाओं के लिए जो मंदिर के रूप में दी गई है, दी गई थी। और इन अदर से देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आपकी बात हमारे जो डे है और जो इवेंट्स कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डे ऑफ द नवंबर 2022 के। तो फर्स्ट नवंबर को होता है वर्ल्ड वेगन डे होता है, 5 नवंबर को होता है वर्ल्ड जो सुनामी डे जो अवेयरनेस डे, 7 को हो जाता है जो इन्फेंट्स का प्रोटेक्शन डे और जो नेशनल कैंसर डे इसी दिन होता है, और 8 नवंबर को होता है द वर्ल्ड जो रेडियोग्राफी डे और जो गुरु नानक दिवस जो बर्थडे होता है, और 9 नवंबर को होता है उत्तराखंड फाउंडेशन डे, 10 को होता है वर्ल्ड साइंस डे, और 11 को होता है जो नेशनल एजुकेशन डे, और 14 को होता है चिल्ड्रन डे और बाल दिवस, 15 को होता है झारखंड फाउंडेशन डे, 17 को होता है नेशनल जो रिप्लेस डे, और 19 को होता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, और 20 को होता है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, 21 को होता है हमारा जो वर्ल्ड टेलीविजन डे, और 26 को होता है नेशनल मिल्क डे। तो ये नवंबर मंथ की जो है सारे पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में नरसिंह पेशावर को 2021 के लिए राष्ट्रीय फॉरेस्ट नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान की है, पुरस्कार की कब स्थापना की गई थी इसकी, तो ए ऑप्शन है 1999, बी ऑप्शन है 2007, सी जो थर्ड ऑप्शन है हमारा 2013, और फोर्थ है हमारा 1973। तो इसमें से 1973 इज द करेक्ट आंसर है। तो हु वाज द फॉरेस्ट नाइटिंगेल, तो ये जो एक जो गरीबों के जो उसमें युद्ध में सेवा करती थी, युद्ध हुआ था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसमें सेवा करती थी, तो ये फिली ऑफ कोर्स, तो ये नर्स थी उसी के नाम पे है ये, उसके बारे में पता चाहिए थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारा जगदीप धनखड़, अटेंड द एशियन इंडियन समिट होता है कोलम जो कंबोडिया दिस वीक, इसके बारे में है। तो उस राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है, जो जगदीप धनखड़ है एशियन भारत शिखर स्मारक शिखर सम्मेलन जो एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 17 नवंबर 2022 को कोडियम जो कंबोडिया का दौरा करेंगे, उपराष्ट्रपति के साथ जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी होंगे इनके साथ जो, और 2022 को एशियन भारत संबंधों को जो 20वीं वर्षगांठ है, कितनी वर्षगांठ है, तो 20वीं वर्षगांठ है, इसे जो एशियन भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो एशियन ग्रुप में देख लेते हैं, तो लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये फिलीपींस हो गया, ये ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया, तो ये पता होना चाहिए आपसे हमें आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 नवंबर 2022 को एशियन भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में 17वें जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, तो शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा कंबोडिया में, बी ऑप्शन हमारा वियतनाम में, थर्ड ऑप्शन हमारा ताइवान में, फोर्थ ऑप्शन हमारा मलेशिया में, तो इसमें कंबोडिया इज द करेक्ट आंसर है। तो व्हाट इज द एशियन, तो एशियन देख लेते हैं जो आसियान क्या है। दूसरा हमारा जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है बढ़ रहा है, और जो स्टेट जनरल का ऑनेस्ट की। नेक्स्ट हमारा जो इंडो जर्मन द वीक्स ऑफ द जीएम रिसर्च 2020 इनोवेट द फॉरेस्ट जो तो कोलैबोरेशन, तो ये तो युवा शोधकर्ताओं के लिए भारत जर्मन सप्ताह 2022 को उद्घाटन 7 नवंबर 2022 को हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान जो विज्ञान और इंजीनियरिंग और अनुसंधान बोर्ड भारत और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन DFG द्वारा जो संयुक्त रूप से आयोजित पहल भारत और जर्मनी के 30 जो होनहार युवा शोधकर्ताओं को रासायनिक क्षेत्र में विभिन्न समकालीन मामलों के लिए बारीक चर्चा के लिए बातचीत करेंगे, तो ये हम देखो उतना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है युवा शोधकर्ता 2022 के लिए भारत और सप्ताह का उद्घाटन 7 नवंबर 2022 को हुआ, तो हाँ भारत और किसी के बीच में हुआ, जर्मनी, बी ऑप्शन हमारा फ्रांस, थर्ड ऑप्शन हमारा थाई, और फोर्थ हमारा रूस, तो इसमें हमारा जर्मन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जर्मनी की करेंसी क्या होती है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी क्या है, जर्मनी के कौन है, और जर्मन चांसलर ऑफ जर्मनी कौन है। तो नेक्स्ट हमारा जो DRDO लॉन्च द टेस्टिंग ऑफ द एवोल्यूशंस ऑफ फैसिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम अंडर नेवी, तो इसके बारे में मुझे, तो इसके बारे में देखेंगे। DRDO ने 2 नवंबर 2022 को कोची समर सर्वेलेंस जो प्लेटफॉर्म्स ऑफ फॉर द ऑप्टिक कैरेक्टराइजेशंस ऑफ द एवोल्यूशंस स्पेस द्वारा हाल में जो मॉडल लॉन्च किया है, इसके विभिन्न प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग के लिए विकसित सोनार प्रणाली के लिए एक अत्याधुनिक परीक्षण और मूल्यवान सुविधा है। इसमें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो सबमर्सिबल जो सबमर्सिबल ऑफ प्लेटफॉर्म है जिसकी मीटर जिसकी 100 मीटर तक की ऊंचाई तक चला जा सकता है। DRDO का अध्यक्ष कोने डॉक्टर समीर एकामंत। नेक्स्ट है जो रक्षा अनुसंधान उनका संगठन DRDO द्वारा नवंबर 2022 में कोची में जो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म और जो ऑप्टिक जो कैरेक्टराइजेशन एंड द एवोल्यूशन स्पेस सुविधा का हाल ही मॉड्यूल लॉन्च किया है, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ए ऑप्शन में डॉक्टर समीर कामत, दूसरा हमारा डॉक्टर द जी सतीश रेड्डी, थर्ड हमारा एस सोमनाथ, फोर्थ हमारा डॉक्टर के सिवान, तो इसमें भी डॉक्टर समीर कामत इज द करेक्ट आंसर है।
तो विच इज द ईयर द डीआरडीओ फाउंडेड, तो ये बारे से पूछा, तो थर्ड क्वार्टर ऑफ द डीआरडीओ कहां है, ऑब्जेक्ट ऑफ डीआरडीओ एंड अंडर द लिस्ट विद इन द स्टेट, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिफरेंट रिलेटेड सर्च है, इसे आपको सर्च करना है कुछ बातों को। तो जीएसएमए जो अपॉइंटेड एट द एयरटेल सीईओ और द गोपाल रिटल डिप्टी चेयर ऑफ द 2 इयर्स द टर्म। तो ये जीएसएमए जो है एक वैश्विक संगठन है जो पूरे देश में जो मोबाइल परिज तंत्र को कवर करता है, जिन्होंने गोपाल विठल को एसोसिएशन निदेशक मंडल के रूप में बजट रूप में चुना है। उन्हें 1 जनवरी 2023 में और 31 दिसंबर 2023 24 तक 2 साल के लिए वर्ष जो ये टाइम पीरियड के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल समूह के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, टेलीफोन समूह के जो सीईओ जोस मारिया और अल्गोरिया पैटे एलियट रोपेज अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल सिस्टम ऑफ द मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन जीएसएमए का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन हमारा जो गोपाल गोपाल विठल, बी ऑप्शन हमारा मारिया स्मिथ, थर्ड ऑप्शन हमारा जो है डेनिस स्कॉट और फोर्थ हमारा जो हरदीप जो हर्षदीप। तो इसमें भी गोपाल विठल इसका करेक्ट आंसर है। हेड क्वार्टर जीएसएमए कहां है, इसके बारे में रिलेटेड सर्च में आ जाएगा। इन विच द ईयर जीएसएमए प्रोजेक्ट फाउंडेड थी, कब किसकी फाउंडेशन की गई थी। नेक्स्ट हमारा जो डीएमआरसी जो बेल साइन द पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनस ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इसके बारे में है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन जो नियंत्रण प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। डीएमआरसी और जो बेल के संयुक्त रूप से जो आईईएसटी स्वदेशी रूप से जो प्रशिक्षण प्रणाली को विकसित किया गया जो वर्तमान में क्रमान में चरण में है, जो भी चल रही है प्रोसेसिंग में। तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऑफ द साइन द एग्रीमेंट ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो ए फर्स्ट हमारा जो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, थर्ड सेकंड हमारा जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, थर्ड ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और फोर्थ हमारा जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज द करेक्ट आंसर इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्केल की बात हम सीएम ने जो फाउंडेड ऑफ द दिल्ली मेट्रो कब की स्थापना हुई थी यहां पे और सबसे पहले मेट्रो कहां चली गई, तो इन व्हिच ईयर द दिल्ली मेट्रो द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द बेल कौन है, बेल कम्स अंडर द व्हिच कैटेगरी ऑफ जो पीएसयू कौन से में आती है। नेक्स्ट न्यूज है, डज नॉट द वायलेट प्लेसेस ऑफ द स्ट्रक्चर शिक्षा और जो सार्वजनिक रोजगार के ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। इसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो अनुच्छेद 15(6) और जो 16(6) के संशोधन पेश किया गया है। इसे जो 50% की जो आरक्षण नीति के दायरे में नहीं है, गरीब कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा जो अनुच्छेद 15(4) और जो 15(5) और 16(4), तो ये हमारे केंद्र के जो आर्टिकल 14 और जो 15(4) और 15(16), तो ये प्रावधान के लिए सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो CEBC तो अनुसूचित जाति जो SC और जो अनुसूचित जनजाति ST शैक्षणिक संस्थानों को प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यक्ति प्रदान करते हैं। न्यायमूर्ति महेश्वरी ने यह रेखांकित किया है कि पिछले वर्ग में CBSC और जो SC OBC इनके दायरे में बाहर रखने के लिए कानून का कानून से हटाया जा सकता है, क्योंकि पहले से जो अनुच्छेद आर्टिकल के तहत लाभ पर पा रहे हैं। तो आर्टिकल कौन कौन सा है हमारा जो इस पर ध्यान रखना है, एक तो हमारा आर्टिकल है 15 और एक आर्टिकल है 16, 15 का 4 है और 15 का 5 है और जो 16 क्लोज याद रखनी है भाई, इसलिए देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो ये करेक्ट कौन सा है। तो
ओनली वन, फिर हमारा बोथ वन और थ्री, थर्ड ऑप्शन हमारा जो टू और थ्री, फोर्थ हमारा जो वन टू थ्री टू ही करेक्ट, इसमें भी हमारा ओनली थर्ड इज द करेक्ट है, बस बाकी दो हमारे गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा जो न्यू ईयर हमारी जो ये है आपकी गेम से रिलेटेड है, तो जो एशियन हॉकी जो फेडरेशन सीईओ तैयब इकरामस इलेक्टेड द न्यू एफआईएस प्रेसिडेंट, तो ये हॉकी इस जो एशियन हॉकी महासंघ एएचएफ के लिए सीईओ मकाओ के जो मोहम्मद मकाओ के, तो मोहम्मद तैयब जो इकराम को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईसी के अध्यक्ष रूप में चुना गया है, और पूर्णकालिक प्रमुख रूप से जो भारत के जो नरेंद्र बत्रा का स्थान लेंगे, आवासीय रूप से जो आयोजित 48वीं जो एफआईएच कांग्रेस इकराम के बेल्जियम के मार्कपुर जो कोड्रोन को जो 79 और जो 47 से हराया है, इकराम को तो 2 साल का जो ये कार्य पदभार संभालेंगे 2 साल के लिए। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो फर्स्ट हमारा जो किशोर कुमार बसा, सेकंड हमारा जो बंडारू जो विदित बाबू, थर्ड ऑप्शन हमारा जो सिबी जॉर्ज, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो मोहम्मद तैयब इकराम, तो भी इसमें मोहम्मद तैयब इकराम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो बांग्लादेश की हो तो इनोग्रेट द 100 ब्रिजेस इन द 25 डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये हमारा क्या में आएगा, ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा, हम आप इसको रखेंगे। तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, इन्होंने इस बार जो 25 जिलों में लगभग जो 100 पुलों का उद्घाटन किया है, इन पुलों को जो 879 करोड़ रुपए टका से जो अधिक से लागत से बनाया गया है, और जो वहाँ की दुबई करेंसी टका, तो चट्टोग्राम डिवीजन ने 40 पुल और जो सिलहट डिवीजन के लिए 17 पुल, जो बरीशिया डिवीजन के लिए 14 पुल और जो ढाका राजशाही डिवीजन में 7 पुल, जो मन मनिया सिंह डिवीजन में 6 और जो रंगपुर डिवीजन में जो 3 पुलों का उद्घाटन किया है। तो ये नेक्स्ट हमारा जो रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2022 में जो है बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार के लिए कितने जिलों के लिए 100 पुलों का उद्घाटन किया, तो एक ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन है 50, सेकंड ऑप्शन हमारा 75, थर्ड ऑप्शन हमारा 100, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो 25, तो भाई इसमें 100 इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, मध्य प्रदेश टू होस्ट द 72 प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये तो ये भारतीय प्रवासी दिवस जो PBD सम्मेलन जो विदेश मंत्रालय का प्रमुख जो कार्यक्रम है, गुहाना के राष्ट्रपति मोहम्मद जो इरफान अली सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे इसमें, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गुहाना के राष्ट्रपति मोहम्मद जो इरफान अली, तो ये अगले वर्ष जो 8 से 10 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 17वें प्रवासी जो प्रवासी भारतीय दिवस की जो विषय जो टाइप जो स्पोर्ट जो द रिलायबल पार्टनर्स ऑफ द जो इंडियंस प्रेगनेंसी इन द अमृतकाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय प्रवेश जो प्रवासी दिवस 2022 का विषय क्या है, तो ए ऑप्शन हमारा जो कंट्रीब्यूट टू द ए आत्मनिर्भर भारत, दूसरा हमारा जो रोल ऑफ द डिवीजन जो डायस्पोरा इन जो बिल्डिंग्स ऑफ न्यू इंडिया, थर्ड ऑप्शन हमारा जो डायस्पोरा तो रिलायबल ऑफ द पार्टनर ऑफ द इंडियंस प्रोग्राम इन अमृतकाल, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है राइडिंग्स ऑफ द इंग्रीमेंट ऑफ द इंडियन ऑफ द डायस्पोरा, तो भाई इसमें थर्ड ऑप्शन इन द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट इसमें रिलेटेड सर्च में देख लेंगे, हुआ था हॉस्टल हो तो यूथ प्रवासी दिवस भारतीय 2022, तो अभी बता दिया मैंने, दूसरा हमारा जो विच एटलीस्ट द प्लेस द 16th प्रवासी दिवस कन्वेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड आयोजित होगा, तो ये थीम ऑफ द 16th पीबीडी कन्वेंशन, तो इसी पीबीडी की थीम क्या होगी। नेक्स्ट हमारा जो साइंस ट्रैक पर रखेंगे इसको, तो इसरो प्लेन द एक्सप्लोरर्स ऑफ द डार्क साइड्स ऑफ द मून दिस इज द जापान में जो अगर टुवर्ड्स द वेन्यू, तो ये हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा के मंगल के बाद अब जो शुक्र पर जो मिशन भेजने का जा रहा है, और साथ में जो चंद्रमा की से जो अंधेरे पक्ष के बारे में जानने के लिए जापान सहयोग करने जा रहा है, एक जापानी रॉकेट इसरो द्वारा जो निर्मित चंद्रलैंड और जो रोवर को चंद्रमा ध्रुवीय पक्ष पर एक मिनट लैंडिंग के लिए ऑर्बिटर स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो चंद्रमा और मंगल बाद अब जो ग्रह पर जो मिशन भेजने जा रहा है, साथ ही में चंद्रमा के जो अंधेरे पक्ष पे भेजने के लिए जापान के साथ समझौता किया है, ए बुध, बी ऑप्शन हमारा बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन हमारा शनि, फोर्थ हमारा जो शुक्र, तो इसमें भाई शुक्र इज द करेक्ट आंसर है। तो चेयरमैन ऑफ द इसरो ये मैं बताऊं चाहिए रिलेटेड सर्च में, ये रिलेटेड सर्च करना है आपको, नेम ऑफ द रॉकेट कैरिंग द 3 सिंगापुर सैटेलाइट्स फ्रॉम द
10 सेमी फॉर कोटा। तो इसमें जो हमारा और नेक्स्ट हमारा जो दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट इसरो लॉन्च्ड 23 जून फ्रॉम द, तो ये कहाँ से, फ्रेंच गुयाना से। और नेक्स्ट हमारा जो टू इंडियन नेवी शिप्स दिस द जापान पार्टिसिपेट द फ्लीट व्यू ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज मालाबार, हमारा जो एक्सरसाइज होती है उससे रिलेटेड। तो भारतीय नौसेना के लिए जहाज शिवालिक और जो काम मोटा ने जापान के जो योकोसुका में 77वें जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट व्यू में भाग लिया है। इस आयोजन जो भारतीय बैंड ने जो जापानी मार्शल गीत संगीत और जो सारे जहाँ से अच्छा गया है वो जो IAF जो जापान मैरिटाइम जो सेल्फ ऑफ डिफेंस फोर्स JMSDVF की जो 77वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसमें जो 13 देशों ने 40 जहाज और पनडुब्बी शामिल है। नेक्स्ट हमारा जो निम्नलिखित में से किस जो भारतीय नौसेना के जहाज में जापान ने योकोसुका के जो 77वें जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट व्यू में भाग लिया है, तो फर्स्ट जापान सादरी और जो कावेरी, सेकंड ऑफ शिवालिक आईएनएस शिवालिक और जो कामोर्ता और ये कामोर्ता सही करेक्ट आंसर है। तो इस रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं विच द एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन जापान, कौन सा कंडक्ट किया गया है। तो इन दिस ईयर द मालाबार एज द एक्स फर्स्ट ऑफ द कम जो कम रेस्ट और नेक्स्ट हमारा जो हुआ सा मेंबर ऑफ द कंट्री ऑफ द पार्ट क्वाड मेंबर कंट्री कौन कौन है। नेक्स्ट हमारा जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वो तो इंट्रोड्यूस्ड रिलेटेड टू द एविएशन ऑफ द ब्रिज दिस मंथ। तो नेक्स्ट भारतीय स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान जो LCH ने स्कोर्ड संचालन के लिए तैयार है, यह असम के जो मिसा माली जो एयरबेस से आधारित होंगे और इसमें रणनीतिक रूप से जो है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र रक्षा के लिए विमान जो इंटीग्रेट हिस्सा है वो मिसा माली के लिए अन्य देशों के साथ जैसे तेजपुर बोमडिला और जो तावांग बोम जो बोमला एक्सिस के लिए अक्सर काम के लिए सोचा गया है। तो देखो इस तरह का होगा कुछ, देखो यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर ऑफ द प्रोडक्ट करेगा एक प्रोसेस ऑफ द नेक्स्ट है हमारा जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडियन ने इन द आर्मी हैड द ऑपरेशनाइज द फर्स्ट ऑफ द स्क्वाड्स ऑफ इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो इसका जो स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट विल द बेस्ट ऑफ द नेसेसरी एयर फॉर्मेशन असम एंड द विल द पार्ट ऑफ द एविएशन ब्रिज ऑफ आस्ट्रल डिफेंट ऑफ द स्ट्रिक्टली ऑफ दिस द क्लस्टर पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो नेसेसरी बेस्ट द टेकर्स ऑफ द डिफेंस आर्मी पॉलिसीज ऑफ द तेजपुर एंड द बोमडिला ऑफ द तेवांग बोम ऑफ ला एक्स। तो इसमें जो कौन सा स्टेट करेक्ट है, तो बहुत फर्स्ट हमारा जो बहुत 102, सेकंड हमारा जो 103, जो थर्ड ऑप्शन हमारा जो बहुत 203, फोर्थ हमारा जो 1 और 3। तो इसमें जो कौन सा है, तो भाई ऑल दीज स्टेटमेंट एंड करेक्ट। नेक्स्ट हमारा उड़ीसा से रिलेटेड है अभी, तो ये हमारा जो आर्टिस्ट द किशोर बसावास द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल मोनुमेंट अथॉरिटी, तो राष्ट्रीय जो स्मारक प्राधिकरण के बारे में, नेशनल मोनुमेंट अथॉरिटी के बारे में न्यू ये देख लेते हैं। प्रोफेसर किशोर कुमार बसा को राष्ट्रीय स्मारक जो प्राधिकरण जो लंदन से कर जो किया गया है, वह भारतीय परीक्षण और मानव जो मानव विज्ञानी अकादमी INCA के राष्ट्रपति कुलपति है। राष्ट्रीय स्मारक जो प्राधिकरण NIMA की जो स्थापना प्राचीन स्मारक के प्राधिकरण के अवशेषण के संशोधन और सत्यापन अधिनियम 2010 के प्रावधानों से अनुसार की गई है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्मारक जो NIMA के आधारित जो संयुक्त किया गया, तो उसमें जो फर्स्ट हमारा जो किशोर कुमार बसा, सेकंड हमारा जो उमेश मिश्रा, थर्ड हमारा जो सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम के और फोर्थ हमारा जो पार्थ सत्यार्थी। तो इसमें भी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है, किशोर कुमार बसा इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो ये हमारी करंट अफेयर बस स्ट्रेटजी के थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ तक अपनी चैनल को जाया ना, प्यार दिया ना, उसके लिए तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। आप बदल कमेंट